आज हम बात कर रहे हैं कुलभूषण जाधव मामले के बारे में। कुलभूषण सुधीर जाधव भारतीय नौसेना से 2002 में सेवानिवृत्त होने के बाद ईरान के चाबहार व्यावसायिक गतिविधियों में शामिल हुए थे। पाकिस्तानी सेना ने 3 मार्च 2016 को जाधव का ईरान से अपहरण कर लिया। कुलभूषण जाधव को अप्रैल 2017 में पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने एक पक्षीय कार्यवाही में मौत की सजा सुनाई। अदालत द्वारा जाधव पर झूठे जासूसी और आतंकवाद के आरोप तय किए गए। पाकिस्तान द्वारा जाधव को काउंसलर एक्सेस की सुविधा देने से इनकार करने पर भारत ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, क्योंकि दोनों देश काउंसलर संबंधों पर वियना कन्वेंशन के वैकल्पिक प्रोटोकॉल के हस्ताक्षर करता है। ICJ ने जुलाई 2019 में भारत के हक में फैसला देते हुए जाधव की फांसी पर रोक लगाते हुए पाकिस्तान को उन्हें काउंसलर एक्सेस देने का आदेश दिया। इसके बाद पाकिस्तान ने जाधव को सजा के खिलाफ अपील का अधिकार देने के लिए एक कानून पारित किया, लेकिन भारत इससे संतुष्ट नहीं है।